हाँ मेरे भाई, आगे वापस पूरा पूरा इंट्रो होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। बिल्कुल हमको तो पसंद आया। अच्छा, बहुत जोर लग गया भाई जितनी एडिटिंग बचपन से आज तक नहीं थी किसी, सारी निकाल दी, निकाल सारी लगा दी, निकाल दी, स्टॉप मोशन दिया पूरा, जवानी से जोर लाता। बस शाबाश शाबाश बस। और क्या, हम देखो बहुत बड़े प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं हमारी मस्ती के बड़े बड़े मीठे लम्हे के वीडियो, भाइयों के शकीन किस्से, शकीन किस्से, शकीन भाइयों के मजेदार किस्से, शकीनिया। ये चैनल का नाम बदल दें क्या, कर दो शकीनिया करते हैं, देखते हैं कॉपीराइट नहीं है, करते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हैं पहले शॉट से लेके ये बोतल कहाँ झड़ गई, हमारा कैमरा खा गया, हमने बहुत प्यारी वीडियो बनाई, ड्रिंक्स हमने पी ली, हाँ हमने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, यहाँ से लेके बोतल यहाँ तक कर दी, उसके बाद पता चला कि हमसे ज्यादा थर्स्टी करो कैमरा था बट ऑनेस्टली ही इज डूइंग अ सर्विस टू द सोसाइटी। देखो हम लोगों को ये विस्की बहुत पसंद आई तो हम तो पी गए, हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पल में कर देनी थी। अब इसकी किस्मत है, हम क्या, कैमरा ने हमको अपॉर्चुनिटी दे दी तो हम कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे भाई। साकी आप डालिए, चलो थोड़ा इसका हिस्ट्री लेसन दें। हाँ, कि उससे पहले इसको पहले नोज करने के लिए सेट करते हैं। हाँ आप कीजिए, जब तक हम थोड़ा थंबनेल को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम मैंने थंबनेल में बोला कि इज दिस अ जेन्युइनली यूनिक व्हिस्की और मार्केटिंग गिमिक, थैंक यू भाई। तो ये लोग प्रोमिनेंटली डिस्कस करते हैं अपनी हेरिटेज को कि देयर बाय द ओशन, देयर बाय द सी, अकेडियन है, सॉल्टी हवा की वजह से ये एयर ड्राई करते हैं अपने बैरल को, तो ब्राइनी जो फ्लेवर है आप बताइएगा उसके बारे में क्या होता है, वो प्रोमिनेंट है। मैं जो इस वीडियो में बात करना चाहता था, अभी तक तो मैंने टेस्ट की नहीं है, और कि हाईलैंड पार्क और स्कापा लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली इनसे हायर हैं, उसके बावजूद ये मार्केटिंग कर रहे हैं इस मामले में कि इनके पास ही वो हवा आ रही है जिसमें वो सॉल्टी फ्लेवर आता है। तो आपका क्या कहना है नोजिंग के बाद, कि ये ड्रामा कर रहे हैं कि ये वाकई ही वो फ्लेवर मौजूद है? गुरु भाई, हाँ भाई, ऐसा मैं कहूंगा विस्की है, आई एग्री। क्या इसका फ्लेवर है, क्या इसका ओकी सेंट है, क्या डीप इसका हनी का जो आफ्टर टेस्ट है, और सिट्रसी, मेरे को पता है इसको क्यों पसंद है, तो ये सिट्रसी और सिट्रसी विस्की इसको बिल्कुल पसंद है, और ये आयरन नहीं है ना, इसमें कोई स्मोकी फ्लेवर नहीं है ना, इसमें ओक का इतना ही खूबसूरत खुशबू है। अब मेरा एक्सपर्ट बताएगा इसको नोज करके। आ गया भाई मुंह में पानी दे दो। ओ, सही लाजवाब है। हाँ भाई है? तो हाँ, नोज में डेफिनेटली वो सिट्रस है, वेनिला है, हाँ, और ये एक्स बर्बन में बनी है जैसे इसके बॉक्स पे लिखा है। एक मिनट, आप बॉक्स नहीं पढ़े, आप जब तक बॉक्स पढ़ो इसका, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। हाँ, बोतल लाजवाब है। हाँ, नो कंप्लेंट्स अबाउट द बॉटल। टॉनिक तो नहीं लग रही? नहीं 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 नहीं, बहुत ही खूबसूरत बोतल लग रही है। देख, आप प्रेजेंटेशन देखें बोतल की, ब्यूटीफुल, और हाँ, आप प्रेजेंटेशन देखें बॉक्स की भी पहले, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा क्विकली पढ़ता हूँ। अब पढ़िए, हम सुनते हैं। ओल्ड कंपनी सिंगल मॉल्ट स्कॉच व्हिस्की, राइट, इट्स 12 इयर्स ओल्ड व्हिस्की, 12 साल पुरानी है हमारी। Old Pulteney, 12-year-old, is matured in fine oak, hand-selected ex-bourbon cask. इसके बारे में बात करेंगे, ये समझाएंगे हमें ex-bourbon cask क्या है। बिल्कुल। Gently absorbing the distinct sea flavor. अच्छा, समुद्री स्वाद। हाँ, Acadian हो गया। Lively with a delicate mineral salt spiciness. अच्छा, salted spiciness. Old Pulteney, 12-year-old, is a singular and evocative spirit. Truly the mad time. Definitely maritime वाला Acadian flavor इसमें बिल्कुल है 100%। So कहाँ से शुरू किया जाए? इसके बारे में कुछ बताओ। मैं तो पहले जानना चाहता हूँ कि ये ex-bourbon cask होता क्या है? Done। तो ये जो oak barrels हैं इसके, इनकी शुरुआत होती है US में। Oak barrels हो गए, bourbon whiskey बना। किसी दिन definitely हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि American whiskey और bourbon में क्या differentiation है। पर to give you a little bit of a subcontext के background, जो बर्बन है वो कॉर्न से बनी होती है, तो उसमें थोड़ा हनी और स्वीटनेस बाइजत रहता ही है।
तो आप बताइए आपको हनी आ रहा है इसमें हल्का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आफ्टर टेस्ट में जो टंग के कोट करके ये जाता है तो बैक ऑफ द टंग हमेशा स्वीट के लिए होता है एंड इट डेफिनेटली इज ब्रिंगिंग हिटिंग दोज स्पॉट्स। या है ना, तो एक्स बर्बन की वजह से इस चीज में एक तो दो चीजें आई हैं, एक तो जो हनी का फ्लेवर जो हल्की सी मिठास है आफ्टर टेस्ट में वो, और कलर। अगर आप हमारी लास्ट वीडियो को चेकआउट करें जिसका लिंक यहाँ है या यहाँ है या दोनों तरफ है कहीं तो कहीं ने डालेंगे, तो इसका कलर थोड़ा डार्क है, ये येलो नहीं, ये बहुत ही एम्बर कलर है, गोल्ड एम्बरिश जो है ये बर्बन, लिक्विड गोल्ड गाइस, इट इज लिक्विड गोल्ड। बचपन में, बल हमारे बचपन में और पुरानी सदियों में विस्की वॉज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। प्रोहिबिशन का जो पूरा एरा था वो इसी वजह से चला था क्योंकि लोग चाहते नहीं थे कि ये बने, विस्की बने इंट्रोड्यूस हो। भगवान का शुक्र है उन आदमियों का कि ये बन गई, इंट्रोड्यूस हो गई टू द मॉब्स। हाँ, स्कारफेस हो गया टू द मॉब्स, दैट्स इट, सोप्रानोस, इटालियनोस हो गया है। तो एक्स बर्बन की वजह से इसमें जो कलर आया, थोड़ी स्वीटनेस आई, वो एक्स बर्बन की नजाकत है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जो ये बोलते थे, मुझे लगा कि अकेडियन गेमिक है या इस मार्केटिंग गेमिक है कि ये इसमें, पर बाइजत सॉल्टी ब्राइनी फ्लेवर है। अब आप बताइए ऑडियंस को कि ब्राइनी क्या होता है। ब्राइनी खारा पानी, नमकीन पानी, जैसे आपके आंसू से बना है ये, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। फेयर बहुत बहुत ही लाजवाब इसकी है। इसके टोन्स बहुत डीप है, इसका टंग कोटिंग वेरी नाइस है, लंबी लंबी लाते, एब्सोल्युटली लंबी लंबी लाते ऐसे ऐसे दौड़ के आपके पास आए, है ना, पर लाजवाब इसकी बहुत सुंदर टंग कोटिंग है। जैसे कुणाल कह रहा है आपको कि इसका जो ये सॉल्टी टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट भी है, मीठा टेस्ट भी है, है ना, और आपको बहुत स्वाद लगेगी, और ये स्वाद लगने वाली विस्की है। मेरे को लगता है कि जिस जो भी इसका वो ब्लेंडर था ना, उसने इस पे ध्यान दिया है कि आर्टिस्ट है वो, एमएम हुसैन है, पिकासो है, विस्की बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस विस्की, ये विस्की लाजवाब है गाइस, इसका टेस्ट इतना डीप है, सिंसिलेटिंग जो होता है, सेंसेशनल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बहुत कुछ छोड़ के जाती है ये टंग पे, एक तरह के एक टाइम पे फ्लेवर। ये मैं कहूँ ना, अगर विस्की अगर चाट होती तो ये चाट है, ये पाइनियर है, ये बताती, ये ओल्ड प्लूटनी, ओल्ड पुटनी, पुठे करनी, मुद्दे मारनी, जैसे मर्जी बोतल पी ले या तुसी पार्ट नी। हाँ, दीज गाइस, इन्होंने मास्टर कर लिया आर्ट ऑफ विस्की। देखा जाए तो ये सिर्फ 40% पे है। अच्छा, हाँ, विच इज जैसे आते हैं टेस्ट से तो लगता है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट कम से कम 50, एब्सोल्युटली 48-47% जो हमारे इंडिया में होता है। और द सरप्राइजिंग फैक्ट इज ये 12 ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, सारी की सारी चिल्ड वाटर डिल्यूट करके ये 40 पिलाते हैं, और उसके बावजूद भी ये इतनी मजेदार प्रोफाइल, इतनी मजेदार है, मेंटेन कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं है विस्की, बिल्कुल। अगर आप नोज करें, अगर आप इसको स्विश करें अपने माउथ में, आपको वो टेस्ट आएगा कि बिल्कुल भी ये विस्की डाइल्यूटेड लगती ही नहीं। कुणाल, ये भी करना जरूरी है थोड़ा। सारी इंद्रियां जागृत कर दी, नाक आपके पास है, बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको सूंघ के देखें कितना ओके फ्लेवर है इसका, जिसका कॉर्क पॉप था ना। हाँ, मजा, अच्छा, वेरी वुडी, वेरी ओकी, कितना बढ़िया है, वेनिला और हनी तो ऐसे है कि ब्रुम है ना, जब हिटिंग योर फेस का, एब्सोल्युटली। हाँ, सो जो हनी है वो एक्स बर्बन की बदौलत, वेनिला हाइलैंड्स का सिग्नेचर मार्क हो गया, ब्राइनी जो ये बोल रहे थे, क्लेम कर रहे थे, वो टेस्ट में है। आप स्मेल नहीं कर सकते, आप सी सॉल्ट, सॉल्ट को कैसे स्मेल कर सकते, वो तो टेस्ट में ही वो उसका यूनिकनेस एनहांस जो कर रहा है ना ये सॉल्ट, सी सॉल्ट, जैसे अपनी कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती थी वो कैरमल और या चॉकलेट, सी चॉकलेट एंड सॉल्ट वाली, सॉल्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल वही, हाँ, मीठा वो नमकीन, नो वंडर दे आर विनिंग अवार्ड्स भाई। 2019-18 से लेके 2021 तक इन्होंने इंटरनेशनल में सिल्वर, गोल्ड, अल्टीमेट विस्की कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड, तो अवार्ड विनिंग विस्की है जो हम आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बोतल तो हम झाड़ चुके हैं, ये राउंड टू है, राउंड टू है, वेल टेक्निकली राउंड थ्री, बाकी विस्की हमारा कैमरा चूज गया।
नहीं नहीं, ये विस्की लाजवाब है यार, जहां मौका मिले। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में नहीं अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, मेरा That's so sad. हाँ, पर ड्यूटी फ्री इंटरनेशनल ट्रैवल एज वी टॉक, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत कॉमन, बहुत ही अफोर्डेबल अटेनेबल चीज है। जहां मौका मिले, जहां ओल्ड प्लूटनी का कोई भी ब्रांड कोई भी मिले, 12, 15, 18, हेडार्ट, पोर्ट या कोई भी इनका ट्रैवल एक्सक्लूसिव, लपक लो, झपक लो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। क्या कहते हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की विस्की का मैं आपको कहता हूं कि 30 ml के शॉट बिल्कुल ना डालें, नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि ना आपको फ्लेवर प्रोफाइल आना है, पाक चढ़ेगा, ना टेस्ट आना है, ना इस अगर तो कोई भी जो भी स्कॉच का ग्लास होता है वो थोड़ा मोटे पेंदे का ही होता है। अब हम इस विस्की को खिला रहे, खोल ही रहे, खिला रहे, है ना, ये किलकारियां मारेगी थोड़े पानी के साथ, बस थोड़े पानी के साथ, ज्यादा भी नहीं। बिल्कुल 60-70 ml विस्की विथ 10-25 ml वाटर। कि जो इसका ऑयलीनेस है वो लेयर को पेनिट्रेट करे, वो लेयर को खोले। कलर देखें आप, कलर देखें, क्या जैसे हम बोल रहे थे ना भाई, हाँ जी, बुम बुम बुमरा, ये बुमरा विस्की है। हाँ, इसके पास सब सब वो है, ये पैतरे, हाँ, इन स्विंग आउट स्विंग यॉर्कर, हाँ, रिवर्स, ये 55 पे ऑल आउट, ये 55 पे ऑल आउट कर देगी, कर देगी, कर देगी। चीयर्स भाई। पानी डालने के बाद ज्यादा धमाकेदार नहीं हुई, बट वेनिला और हनी वाला जो फ्लेवर है वो लंबा हो गया है, लंबा हो गया है। इंडिया के मैचेस से तो लंबा ही चल रहा है, इंडिया 25-30 ओवर में मैच खत्म कर देती है, लोग बेचारे यूट्यूब टिकटॉक पे रो रहे हैं कि उनके पैसे वसूल नहीं हुए, पर ये विस्की पैसा वसूल कराएगा 100%। बिल्कुल बिल्कुल, 200% आई वुड से पूरा पैसा वसूल रही है। इस प्राइस पे इस तरह की विस्की, इतना डीप फ्लेवर, इतना कॉम्प्लेक्सिटी इन फ्लेवर, इतनी सुंदर खुशबू, ये विस्की खुलती नहीं, खिलती है पानी डालने के बाद। एब्सोल्युटली, आप आइस डालें, आइस के साथ भी खिलेगी, बिल्कुल, है ना। वी वी। ये तो टिकटॉक वायरल कर दोगे। पर भाई नहीं, कल लेने के बाद भी ना हनी और वेनिला जो ये लंबा जाता है, हाँ, जैसे बॉम्बे पुणे वाला ब्रिज नोस में छोड़ के जाता है, हाँ, है ना, नोस से तो ऐसा धुआं निकलता है, फिर ड्रैगन हो गया हूं मैं, ड्रैकुला बनने वाला माहौल हुआ है, बट वेरी माइल्ड। पानी डालने के बाद तो ऐसी हो गई है कि आप मजाक मजाक में हंसते खेलते पूरी बोतल पी जाओ, पता नहीं चलेगा, है ना। हाँ, लाजवाब विस्की है भाई। एक मिनट, एक खतरा क्या है, मैं नहीं, खतरा बाद में, पहले अपना गल्प खत्म करो, ये गल्फ ऑफ विस्की पूरी करो। हाँ, मेरा साकी, हुई हुई। चलो, हाँ, नहीं, तो भाई इसकी लाजवाब है यारो, ये टी शर्ट वाली हो गई। अलेक्सा, फीड द डॉग्स, पोर मी अ ड्रिंक। भाई मेरे, पोर मी अ ड्रिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत ही लाजवाब है ये। yeah. बिल्कुल एंजॉय करने वाली इसकी है, और हमारे मेरे तरफ से तो ये रेकमेंड है। क्या आपको हाईली हाईली रेकमेंडेड भाई। स्कोर की बारी आ गई, स्कोर की बारी आ गई, विदाउट वाटर, विद वाटर। देखो, मैं बहुत सोच के स्कोर नहीं देता, जो मेरे अंदर से आता यहां है, से, यहां से निकालो। 84 है, 84, वेरी गुड स्कोर। हाँ, मद्देनजर रखते कि ये 12 साल है, अवार्ड विनिंग विस्की है, चलो वो तो ठीक है, रिसर्च बोलती है अपनी, बट जितनी ये हाईली रेटेड विस्की है, अनफॉर्चुनेटली भाई आई विल डिसएग्री अ लिटिल। अच्छा, चुनका सा ज्यादा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको दूंगा 90। Wow, 90. हाँ, क्योंकि जो ये इनका क्लेम था कि ये अकेडियन सॉल्ट ब्राइनी विस्की है, अच्छा, ये गिमिक नहीं था, सरप्राइजिंगली इन्होंने पता नहीं कैसे क्या जादू किया है, क्या जादू टोना किया है यार। मेरे को तो लगता है सॉल्ट डाला ही है विस्की भाई, अगर डाला है तो फिर मैं कहता हूँ बाकियों को भी डालना चाहिए, डालना चाहिए। 84-90 किसी भी ड्यूटी फ्री पे हो, मौका ना मिस करो। ये इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एज वी सेड नहीं मिलेगी,
जिस ड्यूटी फ्री में जाओ, अगर आपके रिश्तेदार यार दोस्त किसी बाहर देश में रहते हैं, इसका ऑर्डर तो दे मारो, पुट्ठा मारो, मुद्दे मारो, ओल्ड पुतनी, पुट्ठे मारो, हाँ पुट्ठे मारो भाई, पुटन यूनी, पुटनी। Cheers guys. Cheers guys. Amazing whiskey. I hope you guys enjoy it too. Please get it in your houses.